प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, उसी दिन बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को हथियारों को छोड़ दिया गया। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, हिंदुओं के लिए सबसे गौरव का क्षण है। जो हमारा राम मंदिर भी बना और फिर बाद में उसके बाद महाकाल का कॉरिडोर बना, फिर उसके बाद ले लीजिए आप बनारस का कॉरिडोर बना, ये हो गया। और फिर अगला है बिंदु की हमारा भारत देश जो है, हाँ हाँ विकास, ये सब विकास ही है, लगातार ये विकास ही है, किनारे हैं हम लाइन से। तो यहाँ भाजपा वाले के पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के नाम पे मांगना चाहते हैं। मेन मुद्दा तो है कि महंगाई, दूसरा रोजगार, तीसरा ये बात कर रहे हैं आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम है इस टाइम। इनको ये था कि हम समाजवादी पार्टी से आएंगे, मुसलमान दौड़ा दौड़ा चला आएगा, हम भी मुसलमान ही है तो मैंने उनके लिए शेर कहा था, हम वो नहीं जो इश्क मेरे होकर गुजार दे, परछाई भी हो तेरी तो ठोकर से मार दे। लल्लनटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नहीं पान मसाला चलता रहेगा, नहीं हम कुल्ला कर लेंगे भैया। क्यों करेंगे कुल्ला, लेकिन पान मसाला खाइए, अच्छा लग रहा होगा आपको। पान मसाला खाने दिमाग भी चैतन्य रहता होगा। अरे मत थूकिए ना, मत थूकिए। अरे ले थूक दिए। अरे नहीं भाई चलिए। तो मेरा नाम सिद्धांत है और ये बलरामपुर है। साल 2021 में जब हम लोग बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा में लगता है बलरामपुर घूमने आए थे, तो ठीक इसी जगह पे हमने बातचीत की, बहस की लोगों से, जो सबसे अधिक हल्ले गुल्ले वाली जगह थी, सबसे अधिक विवाद वाली जगह थी, वो यही बलरामपुर वाली जगह थी। जो साथी कुछ दिख रहे हैं चेहरे पे, चेहरे जिनके दिख रहे हैं आपको, उनमें से कुछ एक 2021 वाले वीडियो में भी दिख जाएंगे। एक और साथी हैं जो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आए थे, बोले थे कि मैं पत्रकार हूँ लेकिन मैं बताता हूँ। उस साल 2021 की बहस में दिख रहे हैं क्या अभी? नहीं ना, साल 2021 की बहस में आए थे, वो बोले कि मैं पत्रकार हूँ और मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने कुछ तर्क गिराने शुरू किए, फिर भीड़ ने उनकी पोल खोल दी पत्रकार साहब की, बोले कि पत्रकार तो हैं चाहे नहीं हैं, ये फलाना पार्टी के नेता हैं। और फिर उनकी सदस्यता का फॉर्म आ गया, तमाम उनकी पोस्ट आ गई, फिर पता चला कि साहब इस समय अब सभासद भी हैं। ठीक है, अब सभासद साहब ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में हम लोग को। पुलिस पुलिस वाले भी आ गए, क्या भीड़ कुछ होता है क्या, मारा हो जाता क्या? नहीं हो जाता, जैसे रहना जरूरी रहता है भाई। आप लोग आए हैं पता नहीं, दो पार्टी, हर पार्टी के लोग रहते हैं, पता नहीं आपस में तनी तनाव हो जाए, दोनों पार्टी के वजह से तो रहना बहुत जरूरी है। अरे नहीं भागेंगे कहा, हम लोग डटने वाले हैं, भागने वाले नहीं है। हाँ। और क्या ठीक है, ये बताओ भाई बलरामपुर में फेमस क्या क्या है, कौन बताएगा? बलरामपुर में एक अटल बिहारी वाजपेयी की सांसदी छोड़ दीजिए, इस इलाके में फेमस क्या है? इस इलाके को मिला क्या है? मिला क्या है तो फेमस तब होगा ना जब कुछ मिलेगा। अच्छा, जब मिला ही नहीं तो फेमस कहाँ से, हम तो पिछड़े हैं और हमको हमको तो सभी ने लूटा। क्या चाहिए बलरामपुर को भाई? बलरामपुर को शिक्षा चाहिए, एक यूनिवर्सिटी पास हुई है। हाँ। कितनी लड़ाइयों के बाद पास हुई है सब जानते हैं। हाँ। रोजगार जो मिला उसको एक्नॉलेज करिए ना, वो तो हम ही लोग ने लड़के लाया ना। अच्छा, कोई नेता नहीं तो गोंडा जा रहा, किसी भी नेता विधायक को कोई उसमें सहभागिता नहीं है ना किसी पार्टी का। हम लोगों ने लड़ा, जनता हम लोगों ने लाया, आंदोलन किया, यहीं पे आंदोलन हुआ। हाँ। उसके बाद हम लोग ने गोंडा से छीन के विश्वविद्यालय यहाँ पे लेके आए। अच्छा। एक शिक्षा मिला है यहाँ पे। हाँ। बाकी कहने को यहाँ पे सिर्फ चीनी मिल है और देवीपाटन मंदिर है, अभी आपने बताया क्या है यहाँ पे, तो यही दो चीज है, बाकी गड्ढे हैं। मंदिर के नाम पे देवीपाटन मंडल कहा जाता है पूरे इलाके को, यही दो चीज है। और दूसरा है यहाँ पे कि योगी जी अक्सर आते रहते हैं, इसके अलावा बलरामपुर में है कुछ नहीं। देवीपाटन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सोहेलवा है एक, उसको अगर वन रिवार्ड बना दिया जाए कि वहाँ पे टूरिज्म बना दिया, तो सोहेलवा एक मुद्दा होता है बॉर्डर के पास, उसको अगर डेवलप किया जाए तो काफी टूरिज्म यहाँ पे आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अच्छा, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं, किसी का। पिछले बार के जो 5 साल के थे वो यही रोना रो रहे हैं कि विपक्ष वहाँ पे दूसरा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई बात ही नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं संसद में बोल रहा था मेडिकल कॉलेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये वो लगाते रहे। अब इस बार देखिए अगर इनकी सरकार बनती है तो इनसे पूछा जाएगा कि क्या करेंगे आप। अभी तो पिछले साल सपा के और बसपा के गठबंधन पे थी, अब वो इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, वही सांसद राम शिरोमणि जी। और उनका पोस्टर जगह जगह पे था, अभी आप कुछ 10 साल पहले आए होते। हाँ। तो लापता का पोस्टर भी लगा हुआ था।
सांसद के लापता का पोस्टर लग गया था। अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, यहाँ से 199-190 किलोमीटर दूर। लगा नहीं था, सही था, लापता वो थे क्षेत्र से एकदम, कोई जी बिल्कुल उसमें कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। निखिल समाजवादी जिस तरीके से उनके आंख में, जैसे कुछ लोग गांव में कहते हैं मिर्चा ना झोंक दो, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंख में मिर्चा, जैसे हम कह रहे हैं अगर उन्होंने जातीय समीकरण पे टिकट देने का काम किया तो यहाँ के ओमकार नाथ पटेल थे, आपके भिनगा सिंह रानी वर्मा थी, सबसे बढ़िया नेता हिंदू मुसलमान के अच्छे नेता मकसूद आलम गोंडा के थे, उनको टिकट दे देना चाहिए। ये तो 5 साल दिखाई नहीं, अपने मसाला गुटखा के एजेंसी पे कारोबार करने का काम किया, इन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया वो भी अम्बेडकर नगर में बनाया। भाई यहाँ की जनता को सबसे सुविधा हर एक चीज़ आप मिलते हैं सुख दुख में, हम ये नहीं करें आप हमारे सुख दुख में बरही छट्टी में पहुँचिए। निखिल जो अच्छा काम है उसके लिए आप काम कीजिए, जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। अब आपको पता चलता है कहीं आप दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, आप उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए लिखकर अब लेटर पैड के माध्यम से बता रहे हैं कि हमने विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ा, आप एक फ़ोटो दिखा दीजिए अपना। आप कहते हैं कि हम बहुत भक्त मानते हैं, आप देवीपाटन पे अगर एक बार भी दर्शन करने गए हैं उसका मुझे फ़ोटो आप दिखा दीजिए, सोशल मीडिया के उनके कोई भी आप खोल कर यहाँ पर भी उनका देख लीजिए, दिखा दीजिए मुझको। कोई भी अगर यहाँ पर हों कि राम शिवमढ़ी का एक फ़ोटो मुझको दिखा दें। 100% सही कह रहे हैं, 5 साल लापता सांसद थे यहाँ पे। अरे आज तक कोई शिरोमणि की शक्ल न देखा हो, शिरोमणि की। हाँ आप जब वो गठबंधन से हैं तभी उनका चेहरा थोड़ा लाइम लाइट में आया, नहीं इससे पहले राम शिरोमणि वर्मा को कोई नहीं जानता था। महान के देखा, महान कोई देखा हो, फोटो देखने के रूप में जाने जाते हैं, गुमशुदा सांसद के रूप में जाने जाते हैं शिरोमणि जी। और हमेशा जब चुनाव लड़े गठबंधन में, सिंगल पार्टी से चुनाव अगर लड़ जाएं बिना गठबंधन के तो इनको पता चल जाए। पिछले बार सपा बसपा गठबंधन रहा और इस बार इंडिया अलायंस। हाँ गठबंधन का ही ये लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है प्रधानमंत्री तो उसी बन रहा है। किसको? मायावती को। बहन जी को प्रधानमंत्री बनना तय है, तय है प्रधानमंत्री जी, बहन जी को प्रधानमंत्री। अगर हम 50 सीट भी लेकर जाएंगे तो प्रधानमंत्री हमारा ही बनेगा, क्योंकि लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री हमारा ही बहन जी ही बनेगी। और बलरामपुर सीट हम हर हालत पे जीतेंगे, और अब पिछले बार भी जीते थे इस बार भी जीतेंगे। एक शायरी बहुत अच्छा सुनाते हो चाचा, कौन सा है शायरी? कौन सी? शेर वगैरह तो बाद में चलता रहेगा, शेर वगैरह तो बाद में चलता रहेगा। अरे हम दिल्ली से आया, कान बेसुरा हो जाएगा मेरा, सुना दीजिए एक बार। सुना दे आपको। शिया वक्तों की तकदीर जगमगाएंगे, शिया वक्त मतलब कमजोर तबका, शिया वक्तों की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चरागे वफा जलाएंगे, आने दो बहन जी का जमाना, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। चाचा की और है, एक बहुत बहुत बेहतरीन शायरी है कि हम वो नहीं जो तेरे इश्क में रोकर गुजार दे, हम वो इश्क वाली सुनाइए। वो तो वर्मा जी के लिए था ना। अरे सुना दी। वर्मा जी जब आए यहाँ तो इनको ये था कि हम समाजवादी पार्टी से आएंगे, आए हैं, और मुसलमान दौड़ा दौड़ा चला आएगा, हम भी मुसलमान ही है। तो मैंने उनके लिए शेर कहा था कि हम वो नहीं जो इश्क में रोकर गुजार दे, हम वो नहीं जो इश्क में रोकर गुजार दे, परछाई भी हो तेरी तो ठोकर से मार दे, हम उनको मारेंगे भगाएंगे यहाँ से और लाद के भेजेंगे यहाँ से, और बहुजन समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ। जी एक बात बताइए, ये सही में वर्मा जी के लिए लिखे थे कि किसी और के लिए? नहीं उन्हीं के लिए सिर्फ है, सिर्फ उन्हीं के लिए है, लापता सांसद है। राज को राज रखा जाए, राज तो हमको भी लग रहा है। रामपुर की सरजमीन पे, या तो स्टेट बलरामपुर का है। एक मिनट के लिए आप नेता अंदर का छोड़ दीजिए अपने। हाँ दो शेर और मार दीजिए इश्क पे। नहीं इश्क तो चलता रहेगा, ये तो दुनिया है। हम अपने मुल्क के बारे में एक शेर कहने कहिए तो, कि दिल को रोशन दान बना दे या अल्लाह, दिल को रोशन दान बना दे या अल्लाह, चांद और सूरज जिसको देखे हसरत से, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हम अपने मुल्क के बारे में एक वो रखते हैं कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत रहे, अच्छा रहे, सारी दुनिया में इसका नाम हो।
इसलिए इतना सुंदर इतना खूबसूरत मुल्क हमारा जो ये बीच में जातवात ऊंच नीच जो जो भेदभाव है आज धर्म वर्म ये खत्म हो। हम सब हिंदुस्तानी हैं और आपस में गले मिलकर रहें और एक हिंदुस्तान में एक अच्छा निज़ाम कायम हो जिसका पैगाम पूरी दुनिया में जाए, पूरे दुनिया में पैगाम जाए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं लेकिन आपस में भाई की तरह रहते हैं। ये पैगाम हमारे मुल्क से जाना चाहिए, हम इसी के कायल हैं। मायावती का नारा लगा दीजिए आप। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद का नारा लगा दीजिए। आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है? नहीं नहीं, पार्टी से कहाँ निकाला, बहन जी ने कहा आप बैठिए। बैठिए अभी नौ दिया भाई, अभी वो नौजवान है, थोड़ा आराम करने का दिया, आराम करने थोड़ा आराम करने दीजिए भाई। देखिए बहन जी जब खुद मैदान में हैं तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बहन जी की जरूरत है बस हम लोगों को। बन जाएंगे आप लोग लगता है? देखिए चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, इसमें मोदी जी के फुल मेजोरिटी की सरकार बन रही, चौथे चरण पांचवें चरण में आने दीजिए, हम 300 क्रॉस कर रहे हैं। नामुमकिन चीज है, नामुमकिन बातें हैं, घरे जाओ झोला उठाओ घरे, नामुमकिन चीज है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि जो हम लोग के बीच में भाजपा से प्रत्याशी आए हैं बहुत पढ़े लिखे, जबकि एक कहावत देसी में लोग कहते हैं कि जमीन और आसमान की फर्क, तो राम शिवमणि वर्मा जी जमीन है और वो आसमान की उनकी पढ़ाई के लेवल जो है बहुत ही अच्छा है। साकेत जी का विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी 2021 में केवल एक ही सीट निकाल पाई थी, एक ही सीट के लिए, यही वाली इकलौता विधायक उनका था। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटें हुआ करती थी, जब ये गठबंधन इन्होंने मायावती ने किया था तब इनकी 10 सीटें थी, और ये गठबंधन की जो सरकारें हैं ये गठबंधन ही में रह जाएंगी, कभी पूर्णता से कोई काम नहीं करेंगी, पूर्णता से काम नहीं करेंगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों, जिस सरकार का अगर गठबंधन होगा घोड़ा घास से सियारी करेगा तो खाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आज दो बार से आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, भारत देख लीजिए, हर तरफ काम दिख रहा है, विकास हो रहा है। पानी और बाढ़ की समस्या हुआ करती थी, जिस समस्या को माननीय मोदी जी ने काम यहाँ किया है, क्या काम हुआ बता दीजिए, बाढ़ के लिए काम हुआ है, बाढ़ के लिए काम हुआ है यहाँ, बाढ़ के लिए काम, कौन सा काम किया बहन जी ने? एक मिनट, बलरामपुर में कौन सा काम किया, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो या कोई पार्टी हो, बलरामपुर में किसी लड़ाई, दूसरी नंबर की लड़ाई यहाँ पे बसपा लड़ रही है, जो लापता सांसद है उनका कोई पता ही नहीं। वो छोड़िए दूसरी नंबर की लड़ाई यहाँ बसपा लड़ रही है। अरे ठीक है, दावेदारी हटा दीजिए, जी जी जी, अभी अरे रुक जाइए अंकल, अरे अंकल रुक जाइए, दावेदारी छोड़िए, ये बताइए कि भाई साहब बोल रहे हैं काम क्या है, लोग बोल रहे हैं काम नहीं किया, आप सच्चाई बताइए, यहाँ पे काम क्या नहीं हुआ? बिजली चारों तरफ लगी हुई है, सड़क चारों बन गई हमारी, ओवर ब्रिज हमारा बन गया, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आ गया और विश्वविद्यालय यहाँ पे आ गया, बिजली देवी पाटन मंडल, बिजली अगर बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली तो यहाँ स्टेट बलरामपुर का पावर हाउस था, 24 घंटे बत्ती मिलती थी, बदकिस्मती थी कि ऐसे ऐसे लोग खराब बिल आता है, बिल बराबर बिल दे रहे हैं आप इनको, 24 घंटा बिजली मुहैया कराया जा रहा है और बहुत सारी फैक्ट्री बहुत सारे काम बंद हो जाते थे, अब सब सारे काम चल रहे हैं, महंगाई भी पहले से कभी महंगाई कम हुई, अगर 1.54 रुपया अगर बढ़ गया है बताइए इसको, लगाने की बात हमारे साकेत मिश्रा जी कर रहे हैं, फैक्ट्री बहुत जल्द फैक्ट्री, एक मिनट सुन लीजिए, हवा हवाई नहीं, आप बलरामपुर से बाहर निकलिए और गैसड़ी के रोड पे जाइए, एक ODOP के तहत यहाँ पे अरहर की दाल की फैक्ट्री लगी हुई है, और जो फैक्ट्री का एक मिनट यूनिवर्सिटी से लेकर यानी कितने बेरोजगार है, मारे मारे घूम रहे हैं, बेरोजगार है और जब तक मोदी सरकार रहेगी बेरोजगार लगता है रहेंगे, ये बेरोजगारी बहुत है, कह रहे हैं कि मोदी रहेगी तो बेरोजगार रहेंगे। हाँ बेरोजगारी क्या, ये हमारे साथ LLB कर रहे हैं,
है ये जब डिग्री ही नहीं कंप्लीट हुई है, जब डिग्री ही नहीं कंप्लीट हुई है तो कैसे रोजगार ढूंढ लेंगे। ये हमारे साथ फिफ्थ सेमेस्टर में है। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, डीएलएड भी हमने किया है, टेट भी पास है, सीटेट भी क्वालिफाई है, लेकिन तब से आज तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो एलएलबी क्या कर रहे हैं? उसी तैयारी किए होते, पीने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करे, डिग्री लेके घूम रहे हैं। आप टीजीटी करने वाले हैं उनके लिए बहुत रोजगार। टीजीटी और पीजीटी, एक मिनट दूरी बना लो, जब एक मिनट एक मिनट, मंदिर बना, राम मंदिर बना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज तक किसी राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, हिंदुओं के लिए सबसे गौरव का क्षण है, आज तक किसी सरकार ने बनाई है। विपक्ष की सरकारें केवल एक बात सुनिए, जैसे ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है, कमाने की जो है कमाने की ताकत दी है, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान दे दे, अल्लाह दे दे, उसी के नाम पे मांगेंगे। तो यहाँ भाजपा वाले के पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के नाम पे मांगना चाहते हैं। और ये सर वो हुआ या ना हुआ कोर्ट के, छोड़िए उसकी, तो सवाल इस बात का है कि आप किस नाम पे मांगना चाहते हैं। सरकारें पहली भी होती है, आप अपने मुकदमे की पैरवी जब नहीं करेंगे, जब आप अपने मुकदमे की पैरवी हुई, इससे पहले भी सरकारें थी, मुकदमे की पैरवी इतने अच्छे तरीके से की गई कि कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्यों नहीं? पहले जो सरकार थी वो कहां गई थी राम मंदिर के लिए? इससे पहले इस 40 साल कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने डिसाइड किया, राम मंदिर के लिए गई थी सरकार, राम मंदिर के लिए नहीं गई थी। राम मुद्दा था, इलेक्टोरल बॉन्ड है, पहले भी लड़ रहे थे और अब भी लड़ रहे हैं। लाइन ऑर्डर इतना मजबूत हो रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि लाइन ऑर्डर का वो रिकॉर्ड है कि आपको हम बता नहीं सकते। पूरा उत्तर प्रदेश लाइन ऑर्डर बहुत तगड़ा है। बहन बेटियां आज सब अपना आराम से जा रही आ रही, कहीं उनको कोई प्रकार, अरे उन्नाव क्या बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80% जानते हैं आप, उन्नाव केजर उन्नाव जानते हैं आप, उन्होंने 3,500 लड़कियों के साथ रेप किया है, बीजेपी के सांसद का हाथरस में क्या हुआ, क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ उन्नाव में, क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ, उसका जवाब आप दे दीजिए। अच्छा, मतलब घटना जो भी घटना हुई इस देश के अंदर, पहले कार्रवाई नहीं होती थी। यहीं पर गैसरी में एक मूक बालिका के साथ बलात्कार हुआ था और 6 महीने तक FIR नहीं हुआ। घटनाएं जो है, दुर्घटनाएं तो संभव है, होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार का कि कार्रवाई होना, हर घटना पर कार्रवाई हुई, सबको जेल भेजा गया और सभी पे कार्रवाई हो रही है। आज माफिया राज समाप्त हो गया है, इसीलिए इन लोगों को बहुत परेशानी है। यही बलरामपुर लाल किले से प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, उसी दिन बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को, हत्यारों को छोड़ दिया गया। अब बताइए ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कांप रहे हैं इस समय गुंडा माफिया, कांप रहे हैं। जो गुंडा माफिया है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भाई सुनो, देखो देखो, एक भाई सब सुनिए सुनिए, आज एक 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 भाई सुनो, एक चीज सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हल्ला करो, आप लोग सब लोग कहो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन एक बात ये ध्यान दो, ऐसा मैं चाहता हूँ कि सब लोग, आप लोग थोड़ा सिविल व्यवहार रखो। एक पक्ष बोल रहा है तो एक पक्ष सुन रहा है, तो दूसरा पक्ष जब बोल रहा है तो पहला पक्ष भी सुने। चलिए भाई, आप बोलिए, बताइए। जो गुंडा माफिया इस समय कांप रहे हैं, जो जितने गुंडे माफिया थे वो घर में दुपक कर बैठ गए। अभी बताइए कौन कौन से गुंडे माफिया यूपी में जो कांप रहे होंगे। सबसे बड़ा प्रमाण यह है, जितने भी कोई गुंडाई करके देख ले बलरामपुर में भी, अगर कहीं कोई गुंडाई होती है तो तुरंत सरकार एक्शन लेती है। सरकार क्या है? हाँ, तो अभी आप यहाँ डिबेट नहीं कर पाते, ये माहौल था यहाँ बलरामपुर, डिबेट नहीं कर पाते आप यहीं पर बवाल हो गया होता, यहीं पर बवाल हो गया होता अगर कोई बोल देता उनके खिलाफ में
जो है चल जाता है चल नहीं जाता, चल नहीं जाता, सुबह गिरवा लेते समाजवादी वाले। 2017 से पहले यहाँ पे 2017 यही हिम्मत था यही पे मरवा देते हमको। आपको अगर कोई नहीं करके देख ले समाजवादी के सरकार में एक पत्रकार को भी पत्थर से मारा गया था। खाली जमीन होती थी ये मत यार, समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा कर रहे थे पहले 2017 से पहले। यही सुन लीजिए जो पत्रकार की बात कर रहे हैं, इस समय स्वर्गीय राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार हुआ करते थे, यही एसपी यादव के जब जिला पंचायत अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ था उसका सर ही फोड़ दिए थे। जो हम अब बता दीजिए, सुन लीजिए, जो हम प्रमाण है ये फोटो कॉपी एकदम, क्या बताएं आपको हम। रैली में भी एक पत्रकार को कितनी बुरी तरीके से मारा गया, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। अमित शाह जी की रैली में उधर वो भाषण दे रहे थे, उधर रैली में कहीं पे वहाँ पे उसको 150 मुक्के पेट में मारा गया, और वीडियो में आप देख सकते हैं वो साफ साफ कह रहा है कि पेट में मारो, पेट में मारो, कोई दाग ना बने। बताइए प्रेस, सबसे बड़ी बात ये, जैसे हम तो कह रहे हैं एक दूसरी पार्टी सबके ऊपर इल्जाम लगाती है, निखिल इस सरकार में सबका साथ सबका विकास, अगर आज राशन मिल रहा है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे जिस कास्ट का हो सबको बराबर मिल रहा, बिजली सबको बराबर, सबके विकास पे बोल रहे हैं, मणिपुर पे काहे नहीं बोले थे, मणिपुर पे काहे नहीं बोले थे आप, बिजली आती है 370 हटाया गया, आप कश्मीर में जाके क्यों नहीं प्रचार किए मोदी जी 370 लग। अरे भाई साहब, भाई साहब, अरे 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 आइए आइए आइए, हाँ भाई साहब, हाँ बताइए। देखिए अरे रुकिए रुकिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का जो मत है, क्या नाम है वो? सुपूजन तिवारी, मैं एक पेशे से अध्यापक हूँ, जो भी है नहीं प्राइवेट सेक्टर में है, तो जो है जो सरकार इसको जो है भाजपा को वोट देने का जो मेन मकसद है वो पहली बात तो ये है कि हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो जो है रात या बिरात या कहीं भी एग्जाम देने जाती है, कहीं से रात बिरात में लौट नहीं, मान लीजिए कहीं जाती है एग्जाम देने, जहाँ देर हो जा रहा है लखनऊ से लौट कर आती है, तो यहाँ पर जो है हमारे घर तक जो है वो सही सलामत पहुँच जाती है। दूसरा चीज है कि जो भी बड़ी रेल लाइन हुई है या जो भी ट्रेन की सुविधाएं हमको यहाँ से डायरेक्ट लखनऊ के लिए अन्य जगह पर मिल रहे हैं, हाँ सुविधा। और तीसरा जो है हम हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उनके जैसा मिनिस्टर मैंने ना देखा है और ना ईमानदारी ऐसा देखा है, जैसा उन्होंने रोड मैप पूरे भारत में बिछा रखा है जिससे जो भी सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तीसरी चीज है जो चौथी चीज चौथा चीज जो हमारा राम मंदिर भी ना बना, और फिर बाद में उसके बाद महाकाल का कॉरिडोर बना, फिर उसके बाद ले लीजिए आप बनारस का कॉरिडोर बना, ये हो गया। और फिर अगला है बिंदु कि हमारा भारत देश जो है, हाँ हाँ विकास, ये सब विकास ही है लगातार, ये विकास ही है, गिना रहे हैं हम लाइन से। आज देखिए मोदी जी, देखिए हेलो हमारी बात सुनिए बात, हेलो देखिए समाजवादी पार्टी के यही गुंडे, समाजवादी की गुंडे, समाजवादी पार्टी की यही गुंडे, इसीलिए यहाँ से कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बना से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 90% भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो अगर बीजेपी में शामिल आप हो जाएं, मैं बता रहा हूं, एक मिनट भाई एक मिनट, आप देखिए शांति होने दो, सबसे ज्यादा मैं बस छोटी सी आपसे गुजारिश करूंगा, जो मैंने पहले कहा कि तो एक दूसरे को सुन लीजिए, मैं सुन लूंगा सबको, मैं क्या कोई ऐसा पक्ष कर सकता है कि मैं किसी का भेदभाव कर रहा हूँ यहाँ पे, सबको सुन रहा हूँ, ठीक है सभी पक्षों सुन रहा हूँ। आप लोग मुझे कोई व्यक्ति मुझे सीने पे से धक्का दे रहा है, कोई मेरा माइक खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई शर्ट खींच रहा है, ये नहीं नहीं बहुत, ये सब मत इल्जाम लगाइए पार्टी के, पहले आप सब लोग नागरिक हैं, इसी शहर के लोग हैं, ठीक है ये काम मत करिए, ठीक है ये काम मत करिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा, आराम से बात करूंगा। आप बताइए क्या बोल रहे थे? देखिए
वो ना इसमें मंदिर का मामला है ना मस्जिद का। देखिए अल्लाह और भगवान सबके दिल में, घर में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर मस्जिद बन रही है तो इससे हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं कि इससे हमें रोज़गार मिल जाएगी। मेन मुद्दा तो है कि महंगाई, दूसरा रोज़गार, तीसरा ये बात कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड। देखिए दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम है इस टाइम वो, इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इस टाइम वो है। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो जो प्राइवेट कंपनी चंदा नहीं दे रही थी, आप उसके ऊपर ईडी लगा दे रहे हैं। फिर वो चंदा देती है 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी, आप उसको ठेके उठा के बड़े बड़े दे दे रहे हैं। तो ये प्रज्वल रमन्ना को देख लीजिए, प्रधानमंत्री अपने स्टेज से उनका प्रचार कर रहे थे, 2900 सीडी बरामद हुई है उनके खिलाफ, उसमें प्राइवेट सेक्टर की महिलाएं हों, घर की 66 साल की नौकरानी थी बूढ़ी, वो रिक्वेस्ट करती रही कि मेरे साथ ऐसा मत करो, वो रिक्वेस्ट करती रही कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तो 66 साल की बूढ़ी हूँ, लेकिन उसके साथ भी उसने दुष्कर्म किया, उसको रातों रात आपने भगवा दिया। तो ये सब लॉ एंड ऑर्डर, प्रज्वल रमन्ना पे जो इल्ज़ाम है तो वो समझ में आते हैं, ठीक है, भगवा दिया आप जो कह रहे हैं, भगा दिया उसको, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, भगवान को थोड़ी कह रहे भगवा दी, भगा नहीं, दिया नहीं, प्रज्वल रमन्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप जो तो, कह रहे हैं कि भगा दिया उसको, कैसे इस, तो ये किस आधार पे कह रहे हैं? तो ये आप आधार बताइए ना, रातों रात वो कैसे निकल गए, सुबह इन्वेस्टिगेशन हुई, रात को कैसे चले गए? हम प्रूफ के साथ जाएंगे। कोई भी सांसद अगर देश छोड़ता है, वो विदेश में जाता है, तो सांसद से वहाँ पे सांसद को ऑर्डर लेना पड़ता है। लेकिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार कर रहे, 26 तारीख को भागा है वो, उसको जिम्मेदार कौन है? 26 पहला चीज सुन लीजिए, पहला चीज ये जो कह रहे हैं, एक मिनट ये सुन लीजिए, एक मिनट ये जो कह रहे हैं, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जो ये कह रहे हैं बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सुन लीजिए, एक मिनट, जो ये कह रहे हैं कि भाजपा सपा की सरकार बहुत अच्छी या बहुत, पहले दिन दिहाड़े अतीक अहमद का लड़का साथ में वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, हत्या करवा देते हैं ये लोग, आज बताते हैं हम बहुत शरीफ हैं। कितने लोगों के पास अपनी गुंडई चरम सीमा पे थी, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद जैसे लोगों को, अगर बाबा ने उनका साथ किया तो ये सबसे बड़ा गुंडा माफिया को खत्म करने का सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश का अगर किसी ने काम किया तो भाजपा ने। यही दर्द इन लोगों को, यही दर्द हो रहा है कि हम लोग गुंडाई करने नहीं पा रहे। लाइन ऑर्डर ये लोग नहीं चाहते, ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर और देश के अंदर लाइन ऑर्डर नहीं चाहते, नहीं चाहते, इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसी बाकी हर चीज का फायदा पाते हैं। आपका हम मुख्तार अंसारी पे भी सफाई ले लेंगे, ठीक है, आप हमको बता दीजिए इनका जो सवाल है प्रज्वल रमन्ना पे और इलेक्ट्रोनल बॉन्ड पे, उस पर सफाई दे दीजिए आप अपनी। अरे हम कह रहे हैं जैसे बताए आपसे कि इंसान का पक्ष उठाना या लोगों के ऊपर थोपना वो तो अलग की बात है, घटनाएं हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है, इन लोगों को विकास दिख नहीं रहा। आज विश्व का 5वें स्तर का व्यवस्था हिंदुस्तान बना है, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा। पूरे देश के अंदर रोडों का जाल बिछ गया है, ये नहीं दिखाई दे रहा। पहले बत्ती आती नहीं थी, अब बत्ती जाती नहीं है, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा। मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में आप जवाब विकास पे दे रहे हो, प्रज्वल रमन्ना पे, वो पहली बात वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो जेडीएस के हैं, और यही जेडीएस जेडीएस के, एक मिनट, एनडीए से कैसे बाहर कर देंगे? गठबंधन का कोई धर्म होता है ना, गठबंधन का मेरे वोट मांगने के लिए बगल में खड़ा करके मांग रहे थे, गलत बात है। वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ की लॉ ऑर्डर पुलिस जो है कांग्रेस के अंडर में है, वो कांग्रेस के अंडर में है, तो काहे बार बार बीजेपी पे सवाल हो रहा है? कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं लोग? इनका प्रधानमंत्री कौन रहेगा? हम कुछ नहीं ये बता दे, इतना डिसाइड कर रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री कौन रहेगा? पूछ रहे हैं कि इनका प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इनसे पूछ लीजिए, इनके प्रधानमंत्री झूठ का इतना बोलते हैं, हर साल खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा भैया? जो 75 साल का बीजेपी में था कि किसमें भैया, कौन पार्टी कौन नेता देखी सबकी ईमानदारी है, कौन पार्टी कौन नेता देखी सबकी ईमानदारी है? जेब में पैसे ना हो तो कहाँ मिलती सरकारी नौकरी है? जाके पूछो उनसे जिन्होंने 5-5 साल की तैयारी है, किसी के बाप ने जमीन बेची, किसी की बहन कुंवारी है। भैया मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भैया एक बार रुक जाओ, कि सुनीता केजरीवाल ने मालीवाल को अपने घर पे पिटवाया है, केजरीवाल साहब की धर्म पत्नी ने इलेक्ट्रॉन, हाँ स्वाति मालीवाल की पिटाई बहुत तगड़े से हुई है, और जो महिला का मुद्दा था
अब क्यों खामोश है विपक्षी, उस पर क्यों नहीं बोल रहे ये लोग खड़े? अरे तो आप मणिपुर पे जवाब दीजिए ना, मणिपुर पे प्रज्वल रवन्ना पे जवाब दीजिए, कुलदीप संगर पे जवाब दीजिए, ब्रिजभूषण पे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। ब्रिजभूषण पे, मैं ब्रिजभूषण भाई साहब बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए, सुनो आराम सुनो। जो है मालीवाल ने ट्वीट किया था बहुत गंदे शब्दों के साथ ब्रिजभूषण के ऊपर कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया, सुनिए, और स्वाति मालीवाल को विभव ने क्यों पीटा है, क्या आरोप लग रहे हैं कि वो केजरीवाल से अपना अफेयर चाहती थी इसलिए विभव और उनकी पत्नी ने पीटा है मालीवाल को, यही है भाई साहब, यही है भाई साहब, गंदा नहीं सही आरोप है, घर में घर इसीलिए पीटा गया है, इसीलिए भाई साहब, इसीलिए भाई साहब पिटाई हुई है, भाई साहब बदकार नहीं है, नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 भाई साहब, अरे रुकिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप पत्रकार हैं? लोकल पत्रकार हैं, आ गए हम लोकल पत्रकार हैं, हम लोकल पत्रकार हैं भैया, बताइए, हाँ नहीं हमारे पत्रकार लोकल, थोड़ा अंदर ले लो, अरे आइए, लोकल पत्रकार हैं बल्लामपुर के, अरे रुके 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 रुके, सुनिए 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 भाई साहब कैमरा कैमरा टोपी वाले भैया कैमरा कैमरा, आप पत्रकार हैं जी भैया लोकल, क्या नाम है आपका? अजीत शुक्ला, बीटीएन न्यूज में चलाता हूँ, यहाँ पे पक्का पत्रकार है पूरे वाला, बीटीएन न्यूज में चलाता हूँ भैया, बीटीएन न्यूज चलाता हूँ, और मुझे आशा था कि केजरीवाल देश को बदलेंगे लेकिन उनके घर में गंदगी देख के मेरा दिल टूट गया। लेकिन ये लोग क्यों बोले कि बीजेपी के सदस्य हैं? अब बोले भैया हम क्या, बीजेपी हम ऊंचा बीजेपी का है, अब इनके सबका सुनो हम बताइए भैया, मुद्दा ये है लापता सांसद आए कब यहाँ, इतना वोट देकर जनता जिताती है कि हम 5 साल आपका चेहरा न देखें, और कोई भी टिकट देते हैं इसी जिला में, दो दो टिकट 11 करोड़ रुपया पा जाते हैं, पहले 6 करोड़ पाते हैं तब धीरू को देते हैं, कुछ नहीं भरम नहीं, 100% फैलाया जा रहा है। सांसद जो शिरोमणि वर्मा जी हैं वो हमेशा हमेशा जनपद में लगे रहे हैं, ये पूरी तरीके से भरम में लोग बोले लापता है मालिक, नहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ, और जहाँ तक यहाँ सांसद की बात हो रही है, लापता कौन से सांसद इससे पहले थे जो घर घर जाते थे? हमारे सांसद रामस्वरूप दत्तन मिश्रा जी जाते थे, आज भी जाते हैं। देखिए पदाधिकारी होकर के अपने नेता की तारीफ कर लो, लेकिन जनता के बीच में आप अपने नेता को नहीं दिखा पाओगे। जनता ने ठान लिया है, अरे जनता ने ठान लिया है, एक मिनट सुनिए, इस बलरामपुर की सरजमीन पर जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी जीती थी, और यहाँ जो भी विकास है गठबंधन में, एक मिनट, यहाँ जो भी गठबंधन था, गठबंधन के प्रत्याशी रामस्वरूप वर्मा जी ही थे, हाँ भगोड़े थे यार, भगोड़े थे यार, भगोड़े थे यार, वो जीते थे, ये बसपा ने प्रमोट करने आए हैं, भाजपा नहीं पता, वो भाजपा में भी गए थे, चक्कर काट रहे थे, बात कर रहे हैं, सिंपल से यहाँ से यहाँ समाजवादी पार्टी ने किया क्या है, किया क्या, जिला हमने दिया, एसपी हमने दिया, कलेक्टर हमने दिया, कचहरी हमने दिया, किया क्या इन लोगों ने, गुंडई के सिवा क्या किया है यहाँ, गुंडई के सिवा किया क्या है, हमने नारा दिया चर गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, यह हमारा नारा है, गुंडई के सिवा कुछ नहीं किया इन लोगों ने बालू बेचा, लकड़ी बेचा, इसके सिवा क्या क्या इन्होंने, यहाँ बहुजन समाज पार्टी एकदम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काम कर रही है, और वो गठबंधन जो भी है गठबंधन यहाँ पूरी तरीके से 1 लाख वोटों से जीत रहा है चुनाव। आप क्षेत्र में जाएंगे बिल्कुल बनवाया जाएगा। यहाँ पर जो भी विकास हुआ
आप कोई भी विकास लीजिए, रोड, बिजली, पानी, सड़क, मेमोरियल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और ये विश्वविद्यालय और देवी पाटी के दारू के पैक बैठ के नेता विधायक पीते थे जब समाजवादी की गवर्नमेंट थी। दो जमीन स्तर की जो इन्होंने बात की 2014, 2017, 2019, 2022 चार बार जनता ने भाजपा को लाया, तो ये जमीन का काम नहीं है बताइए। भारतीय जनता पार्टी अभी सवाल दो मिनट पहले उठाया किसी ने कैमरे पे, अरे अंकल आप मेरे दोस्त हैं, चुप हो जाइए, एक मिनट बोल ले दो, पूछे दो। ये बताइए, बहुत सारे लोग मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने उठाया था, लेकिन मुझे अरे शांत रहो भैया, कोई बता रहा था कि पूछ लीजिए इंडिया गठबंधन वालों से कि भैया सरकार बनी तो पीएम कौन बनेगा, ये लोग सवाल पूछ रहे थे, बताइए आप पूछे थे सरकार अगर सवाल इनसे यही पूछ लीजिए कि इनका जो गठबंधन बना हुआ है ये गठबंधन पता नहीं चलता है कितने दिन तक चलेगा, लेकिन इनसे पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ था, लास्ट में ला करके योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था उस टाइम नहीं था ना। हमारे यहाँ इंडिया का गठबंधन हुआ है, उसमें हमारे जो बड़े नेता हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमारा 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 नेता कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपने इनके गठबंधन का कोई अस्थाई मूल नहीं है, बस केवल मोदी खिलाफ, जो भी है मोदी खिलाफ, 2017 के चुनाव इन्होंने अपने बाप को ही ठुकरा दिया था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद से, ये क्या बात ने दीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो आपसी कलह में जूझ रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बताया मैंने ना आपको कि ये हमारे हमारे सीनियर नेताओं का डिसीजन है, उनके नेतृत्व का बात है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। 70 साल के हो गए वो नहीं बनेगा। लोकसभा में अच्छा कपड़ा सही करिए, श्रावस्ती लोकसभा में ये गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाया, पहले धीरू सिंह आ गए, फिर राम सरोवर वर्मा आ गए। हल्ला नहीं भाई, हल्ला नहीं, सुनो सुनो भाई भाई, एक एक भाई देख भाई सुनो सुनो, क्या गर्मी नहीं लगती क्या है यहाँ के लोगों को? या तो गर्मी नहीं लगती है, सट के खड़े रहने में मजा आता है तुम लोग को, मजा किसी में आता है? गर्मी बहुत ज्यादा है यार, काफी गर्मी पड़ रही है यार, ऐसा नहीं करो यार। उन्होंने आपने सवाल लिया कि प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का कौन बनेगा, अब एक सवाल इनसे ले लीजिए कि इनके 75 साल मोदी जी पूरा कर रहे हैं और इन्होंने ही नियम लाए थे 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो अगर अगर मोदी ही बनेंगे तो इसका मतलब वो सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं, और अगर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? नहीं अभी वो 75 साल के नहीं हुए, अगले नहीं हुए, अगले साल अभी 75 साल के नहीं हुए, अगले साल सितंबर आने दीजिए, अगले साल सितंबर आने दीजिए, चले चले चले, अरे भैया आराम से, अरे आराम से भैया आराम से, चल रहा है आने वाले टाइम में योगी जी को तब तक का मुख्यमंत्री हटा दिया। हाँ भाई बता बता बता, नेताओं ने एक ऐसा, अरे एक से रोजगार की बात करना चाहते हैं और रोजगार दर आप देखे कितना कितना घट रहा बढ़ रहा है, बेरोजगारी। नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, नेताओं ने एक ऐसा हिंदुस्तान कर दिया, मासूम सा दिखने वाला इमारत उसको भी हिंदू हिंदू मुसलमान कर दिया। तुम लिखते हो ये? पढ़ता भी हूँ लिखता भी हूँ। आप ही लिखते हो? छह साल हो जाती है रेलवे वैकेंसी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी देने वाली भारत का है संस्था है भैया। एक सवाल हमारा भाजपा से, एक अखिलेश से है, हम प्रवक्ता नहीं, हम अपना सवाल भैया भाजपा से भी पूछा जाए, भाजपा से रुक जाओ, बीजेपी राम रुक जाओ, अरे पूछे तो पहले भाजपा राम के लोकल पत्रकार है, लेकिन निरपेक्ष पत्रकार नहीं, बीजेपी पत्रकार है, हमने चेक कर देखा है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाजपा किससे पूछ रहे हैं? बीजेपी से पूछ रहा हूँ। अरे बीजेपी प्रवक्ता खड़े हैं, इंटरव्यू लीजिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? राम के नाम पे वोट क्यों मांगती है? चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं, ललन टॉप देख रहे थे आप।